नौजीद सिंधा कोर्ट कराची में डिंगी और भुंडार जी बेटा उन्होंने वफाकी वालार खिलाफ दाखिल जी दरख्वास्त है उन केस की बुधनी थी है। अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जवाब तलब किया वो है। अदालत है तो बुधाया वे तो आयलैंड अथॉरिटी ऑर्डिनेंस जो मुद्दों खत्म थे बाद वफाकी हुकूमत जो बेटन के मामले से कड़ो मौकफ़ है। बुधनी दौरान असिस्टेंट अटर्नी जनरल अदालत के आगाह कर तो बेटन बाबत वफाकी हुकूमत के ऑर्डिनेंस जो मुद्दों खत्म थी चुको है, नव ऑर्डिनेंस जारी न किया वो है। दरख्वास्त गुजार जो है पिटिशनर शुहाब ओस्तो सीनियर कानूनदान असा सा टेलीफोन लाइन से मौजूद हैं। शुहाब ओस्तो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, थोड़ा बुधाए जो अज छा थियो है अदालत पारा अहम मामलो है जैसे बुधनी थी है। देखो अज तो अदालत में उन्होंने टाइम की दरख्वास्त कही तो टाइम दिनों वे जो जवाब दाखिल कर सकूं जो असो तकाजो है असा बुधाइन इन प्लैन है मुस्तकबिल के बारे में इनकी हाँ रिथाबंदी है ऑर्डिनेंस तो खत्म थी वो ऑर्डिनेंस खत्म थे जे इदारो जो ये सो कॉल पीडा वो कायम करो उनकी हाँ हैसियत है जे इन बुध में आया तो कुछ एग्रीमेंट्स क्या उन एग्रीमेंट्स जो थो हुकूमत शुरू का वी जो खास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट जो है उन शुरू का वी यो रखो आज तरीको तो वो अचन को टाइम ता वन अस इन कर को दबाव न वी सकियासे जिस तीन इन जवाब नहीं तेस तीन असान इन नई का हिकमत अमली जोड़ने जो सो वो मुमकिन नी ठीक है जन सतावी तारीख वरी लगो है इन महीने के दिसजे तो हाँ सतावी तारीख से वफाकी हुकूमत के मौकुफ आ ठीक है। शुहाब ओस्तो साहब अवां इन मामले में पिटिशनर भी आयो पर मुख्तलिफ़ मामलन ते भी अवां जी गहरी नज़र हुए थी मुख्तलिफ़ वक्तन ते अवां पारा तर्जो भी कयो वेंदो आहे की पिया समझो तो अज अदालत में जेका गाल थी तो सदालती ऑर्डिनेंस जो मुद्दों जो है वो पूरो थी चुको है तो वफाकी हुकूमत इन सिचुएशन में जैसे मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स पारा सख्त मज़ामत एहतजाज कयो वियो एक बियो ऑर्डिनेंस जारी कर सके पई वफाकी हुकूमत न हाणे त उन लाइ देर थी चुकी आहे मुंहिंजो नाहे ख़्याल त छाकाणि त इहो ऑर्डिनेंस जेकॾहिं हिननि खे एक्सटेंड कराइणो हुयो त हुनजी एक्सटेंशन जे लाइ हिननि खे नेशनल असेंबली मां हिकिड़ो दफ़ो इजाज़त वठणी हुई उहो त हिननि पंहिंजो मुदो पूरो करे छॾियो आहे पर ॾिसजे त थी सघे थो त वरी इहो बि कमु करे सघनि था त थोरो ऑर्डिनेंस खे मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां थोरी हिन में फेर घार करे वरी ॿियो ऑर्डिनेंस बि जारी कनि पर ॾिसजे त हाणे हिनजो सतावीह ताईं असांखे जेको चयो अथऊं हुन में ख़बर पइजी वेंदी पर मां सम्झां थो त हिन में असां सभिनी खे बाख़बर रहणो पवंदो ऐं अखियुनि जी टेनाए वेहणो ऐं पंहिंजी जेका असांजी जदोजहद आहे जेको हुनखे असांजो सॼी सिंध में हिकिड़ो इज्तिमाही आवाज़ पैदा थियो आहे फेरफार नोयत की फेरफार थे खदशो है या अंदेशो है ये बुझाजो तो सिंध हुकूमत जो किरदार कि पाया इन वक्त एक्ट जो है उन बिल न आंदो वो है असेंबली में इन मामले के क्या पाया सिंध हुकूमत हमेशा चवंदो सिंध हुकूमत जो हमेशा जो रोल रो वो बिटो रो चोर से भी गड हूँ बाघे से भी गड हूँ इन वक्त तुम शुरू में लेटर वेटर मोकलिया बेट दई छूँ ये जैसे असे कोर्ट में तमाम घनी मज़ामत थी मू निकी आया रोडन से काफ़ी उनको सो पोलिटिकल रिएक्शन मिलो जैसे करे ये मजबूरन सिर्फ अलामती तौर से पोते हटिया उन्होंने लेटर वो विथड्रॉ कयो जिनकी का कानूनी हैसियत को न हुई पहरों न हाने है वरी इन्होंने अलामती तौर से सिंध असेंबली में
मुस्तफा साहब टाइम भी घट है थोड़ा मुख्तसरन बुधा जो जैसे सदारती ऑर्डिनेंस जो मुद्दों पूरा थी वो अवा बुधा तो नव ऑर्डिनेंस जारी करने लाइ भी देर थी चुकी है तो परे ही जी कंपनी है नेदरलैंड की उन सा डिसेलिनेशन प्लांट जो मुआदो थल है उनको असो लिखाए वरतो है वफाकी हुकूमत इन बेटन से कें भी किस्म जो खूह तरक्याती कम न कराइंदी अटॉर्नी जनरल यह शह असें लिखी दिनी है कोर्ट के ऑर्डर में मौजूद आ जैसे अड़े किस्म की का इन हरकत कई तो असान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल कंदे छदासन को मान तो समझा तो वो तकड़ कंदा ये इन इंतजार में आन तो सेनेट जो इलेक्शन थी वन तो शायद ये कोशिश कंदा तो कें तरीके से अमेंडमेंट आणजे कॉन्स्टिट्यूशन में छो तो जेस तीन अमेंडमेंट नी अचे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इन ये बेट को मिलता उन्होंने की कोशिश यही है तो कें तरीके से ठीक है शुआब हुसैन साहब वक्त की घटताई है अवा की तमाम घनी मेहरबानी टाइम न्यूज़ से गालबोल करने के लिए जी नज़रीन टाइम न्यूज़ से खबरों अपडेट्स जो सिलसिलो जारी है वूँ शॉर्ट ब्रेक ब्रेक का हेडलाइंस से हाजिर थूँ।